राष्ट्रीय दशहरा मेला 2022 का रंग अब चढ़ने लगा है। दुकानें सजने को तैयार हो रही हैं, झूले अपना मूर्त रूप ले रहे हैं, तो वहीं सर्कस के कलाकार भी अपनी कला को दिखाने के लिए उत्साहित हैं। ये ही नहीं, इस सर्कस में ऐसी कला का संगम होगा कि लोग दांतों तले उंगली दबा लेंगे। कोटा में पहली बार साउथ अफ्रीका के कलाकार आ रहे हैं, जो अपनी जिम्नास्टिक की कला से लोगों का भरपूर मनोरंजन करेंगे। दशहरे में शुरू होने जा रहे सर्कस के मैनेजर दीप राज सिंह बुधवार को पत्रकारों से रूबरू हुए और सर्कस में होने वाले हैरतअंगेज व रोमांचक करतबों की जानकारी दी। यहाँ पे 3 साल बाद सर्कस आया है, अभी हम 25 साल बाद हमारा, और भी बहुत अच्छे कलाकार हैं हमारे पास, रशियन आइटम हैं, अफ्रीकन कलाकार हैं, मणिपुरी कलाकार हैं, और अपने रशियन साड़ी है, बेबी रोप, रशियन बेबी रोप भी है। ये सब कला है, छोटा कला प्रेमियों को देखने के लिए आए। बहुत स्ट्रगल के दौर से गुजर रहे हैं सर, सर्कस तो अभी आपको भी लुप्त होता जा रहा है, मुश्किल से 2-4-5 सर्कस बचे हैं जो हैं, एक हमारा है।